सुतदारायोर्लक्ष्मी पापियों के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ लो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम चहे परे घर रंक के चहे महीपति राम भक्ति महल बहु चहे दूर ही ते दर्शाए जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरणी न जाए। भक्ति की महिमा प्रत्येक मजहब में वर्णन की गई है। नाना प्रकार के मजहबों में बिलग बिलग प्रकार से भक्ति पूजा पाठ की पद्धति संपन्न होती है। कोई घुटने टेक करके नमाज करता है, कोई मत्था टेक करके, गुरुद्वारा में दुआएं लेता है, कोई उकड़ू बैठ कर अंजलि बांध कर साहेब बंदगी करके गुरु से आशीर्वाद लेता है, कोई दंडवत प्रणाम करके मंदिर में आशीर्वाद मांगता है, तो कोई अपने माता पिता के पैर छू कर ही संतुष्ट हो जाता है, कोई स्त्री अपने पति के पैर छू कर मस्तक में लगा लेती है, पति में परमेश्वर का रूप दर्शन करती है, और कोई स्त्री अपने बच्चों में ही बाल कृष्ण का दर्शन करके खुश होती है, कोई पिता अपने संतान में ही भगवान राम का रूप देखता है। बिलग बिलग भावनाओं की दृष्टि से संसार में भक्ति का रूप स्वरूप प्रकट होता दिखाई देता है। कोई गुरु के पास जा करके गुरुमंत्र ले करके गुरु का ध्यान लगाता है, गुरु की वाणी रोज सुनता है, प्रातः वंदन संध्या वंदन आरती पूजन अभिनंदन करके गुरु की सेवा के लिए गोलक में नित्य दान करता है, और गुरुदेव का प्रवचन कोई छूटता नहीं है, बार बार सुनता है, बार बार सत्संग सुनू बार बार धरू ध्यान बार बार स्मिरन करू तब पाऊं कल्याण बार बार सेवा करू बार बार सुनू ज्ञान बार बार चरण बंदगी बार बार कुछ दान तदपि कहो गुरु बार ही बारा समुझे परी कछु मति अनुसारा तदपि कहो गुरु बार ही बारा
समझ परे कछु मति अनुसारा। मंगलमय गुरुदेव हमारे क्षमा देव है सबसे न्यारी। मंगलमय गुरुदेव हमारे क्षमा देव है सबसे न्यारी। भक्त हैं उनके सबसे प्यारे गुरु चरणों के बने सहारे। हे गुरु मम बंधन हरो अरज सुनो प्रभु मोर चरण बंदगी मैं करूं नहीं प्रार्थना योर। भक्ति का तात्पर्य स्वभाव को सुधारने के लिए, चरित्र को चमकाने के लिए, कर्मों को परिष्कृत करने के लिए, आदतों की हथकड़ी बेड़ी से छूटने के लिए, मन को दर्पण से भी अधिक निर्मल करने के लिए भक्ति की गंगा में स्नान किया जाता है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधी। सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करते हो उसमें भी भक्ति का रूप देखिए। जब भक्ति समझ करके नित्य कार्यों को संपन्न करते हो, कर्म भी हो जाता है और कर्म के साथ पूजा भी हो जाती है, आराधना भी हो जाती है, उपासना भी हो जाती है। आइए भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम में पहुंच चुके हैं। शिवरी नई कुश की चटाई पर राम को विराजमान कराती है। राम के स्वागत के लिए गंगा जल भरकर लाती है और उनके चरण पखारती है। राम के दर्शन से शिवरी का मन इतना प्रफुल्लित है, नयनों से अश्रु की धारा बहती है। गंगा जल तो अलग ही धारा रह गया और शिवरी के नयनों के आंसुओं से राम के चरण धुल गए। शिवरी खुश भी है, रो भी रही है। खुश होना और रोना एक साथ की घटना है। राम भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिवरी की श्रद्धा को देखकर, प्रेम को देखकर के राम का मन गदगद हो रहा है। जिस राह से प्रभु को आना है उस राह में फूल बिछाए हैं कि राम के चरण इतने कोमल हैं, फूलों पर ही उनके चरण पड़ना चाहिए क्योंकि फूल से भी कोमल प्रभु के चरण है। कोई भी संत का स्वागत, महात्मा का स्वागत फूल से किया जाता है। फूल और माला धीरे धीरे जगत की प्रगति के साथ साथ में प्लास्टिक की माला भी आई। माला तो एक अंदर का भाव है, प्लास्टिक की माला हो चाहे ओरिजिनल गुलाब के फूलों की माला हो और चाहे गेंदा चंपा जूही बेला मोंगरा के फूल हो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भक्त जब दर्शन के लिए आते हैं, फूल नहीं मिलते हैं तो वे भक्त कोई पौधे की पत्तियां भी दोला करके और गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। पत्तियों के साथ में दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। ऐसा गुरु जी का भाव, भक्तों का भाव होता है।
लेकिन कभी कभी फूल पत्ती उपलब्ध नहीं है तो भक्त अपनी श्रद्धा को दक्षिणा के रूप में अर्पित कर देता है। भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम में विराजमान है और शिवरी को जो खुशी आज प्राप्त हुई है, शायद जीवन में पहली बार ऐसी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जिसके प्रति आपके मन में बहुत अगाध प्रेम होता है, उससे जब मिलन होता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शिवरी गदगद है, भगवान राम भी गदगद है। वो दशा हो रही है जो संतों ने लिखा है, चार मिले चौसठ खिले, बीस रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले ना सत सात करो। मोबाइल तुम बंद करो, नियम का पालन करना है, सत्संग में ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि भाव से करना है। बहुत बड़ी बात है। राम भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर स्वभाव, जास बड़ाई बैरियों कर रही है, उनके स्वभाव की बड़ाई बैरी लोग भी करते थे। जो उनसे नाराज रहते थे वो भी गुणगान करते थे, ऐसा स्वभाव है। राम का चरित्र भी सुंदर है। राम अनावश्यक कहीं आकर्षित नहीं होते। सुपर्णखा आती है फिर भी राम मना कर देते हैं, और सुग्रीव विभीषण निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारे राज्य में प्रवेश करिए और जो आज्ञा करो मैं आपको, ये सब राजपाट आपका ही। राम भगवान कहते हैं कि मुझे पिताजी ने वनवास दिया था, किसी के राज्य में जाने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए हम नहीं जाएंगे। और राम भगवान के पास में सहनशीलता भी बहुत है, नम्रता भी बहुत है। तीन दिन हाथ जोड़कर समुद्र के किनारे खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि समुद्र स्थिर हो जाओ, हमको पार होना है। समुद्र तूफानी लहरें चला रहा है। अंत में राम ने लक्ष्मण को इशारा दिया, विनय नमानत जल धिजड़े, गए तीन दिन बीते, बोले राम सको पतब, भय बिनु होई न प्रीति। ये भय शब्द बड़ा विलक्षण है, डर। संसार के लोग भय और लोभ के बीच में जिंदगी जीते। डर खत्म हो जाए तो आदमी न जाने कितनी गलतियां कर देगा। घर के लोगों का भी डर है, पति का डर है, पत्नी का डर है, बच्चों का डर है, घर बिगड़ जाने का डर है, पुलिस का डर है, सरकार का डर है, शासन का डर है, धर्म कर्म का डर है, यमराज का डर है, यमदूतों का डर है, मौत का डर है, भगवान का डर है। डर में डर है, इतना डर है, तब जाकर आदमी डगर पर चलता है। ये डर बहुत संभालता है। जिनका पूरा डर खत्म हो गया, उन्होंने तो जितना द्वंद मचा सके उतना मचा ही दिया। इसलिए कबीर ने डर को बहुत समर्थन दिया। डर करणी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे सो बरे, गाफिल खाए मार। जो गाफिल हो गए वो मार खा गए, बहुत मारे गए, बहुत पीटे गए,
और जो डर के काम करते रहे, थोड़ा डरते रहे, थोड़ा संकोच करते रहे, वो सही लाइन पर चलते रहे और वो पार हो गए, सफल हो गए। नाविक नाव को चलाता है, उसको भी डर लगता कहीं डूब न जाए। पायलट हवाई जहाज को उड़ाता है, उसको लगता कहीं आकाश में फ्लाइट के अंदर आग न लग जाए, कहीं इंजन न फेल हो जाए, कहीं फ्यूल न खत्म हो जाए, डर लगता है। कहीं प्लेटफार्म पर उतारूं पहिया ही ना निकले तो फिर उसका पेट रगड़ जाए तो आग लग जाएगी। बड़े संदेह और डर, और यही डर जब हवाई जहाज उतरता है तो पूरा हवाई जहाज चेक किया जाता है, मशीनों से चेक होता है, तब दूसरी उड़ान होती है कि कोई नट बोल्ट ढीला हो, इंजन में कोई फॉल्ट हो, कहीं कोई मिस्टेक हो, अभी सुधार दिया जाए, क्योंकि आकाश में कुछ सुधरेगा नहीं, वहां तो बड़ा मुश्किल काम हो जाए। बेटा से बाप को भी डर लगता है कहीं बेटा रूठ कर भाग ना जाए, पति को पत्नी से डर लगता है कहीं उलझ करके गठरी बांध कर मायके न चली जाए, पत्नी को भी पति से डर लगता है कि कुंभ मेला आने वाला है कहीं कमंडल लेकर बाबा जी न बन जाए, वहीं घूमता रहे श्री राम जय राम जय जय राम, और गंगा जी में स्नान करें गंगा राम, और तिलक धारी वहीं घूम रहे हैं, पत्नी को भारी पड़ गया, इसलिए पत्नियां भी पतियों को इतना ही दबाती हैं जितना वो दबाव सह सकता है, ज्यादा इंजेक्शन कड़ा नहीं लगाती है, नहीं तो भाग जाएगा। डर है, सभी को डर है, और डर से संसार चल रहा है। फिर डर के साथ साथ में लोभ लालच भी है, ये लालच के बीच में भी दुनिया डोल रही है। सुग्रीव राम से मित्रता करते हैं तो सुग्रीव को भी लालच है कि भगवान की शक्ति और भक्ति से, युक्ति से, प्रयुक्ति से मेरी पत्नी को जो मेरा भाई बाली ले लिया है वो वापस मिल जाएगी, ये लालच है, इसलिए दोस्ती हो रही है। भगवान के मन में भी है इसकी पत्नी वापस करा दूंगा तो इसकी सेना की शक्ति हमको मिल जाएगी तो मेरी पत्नी भी मुझको वापस मिल जाएगी। लेन देन का संसार है, लेन देन करना सीख लो नहीं तो संसार में फेल हो जाओगे। राम और सुग्रीव का लेन देन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, उनका काम हो गया बस, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं। जब सुग्रीव का काम हो गया, सुग्रीव राम को भूल गया, और सुग्रीव अपने राजपाट में नृत्य देख रहा है, सिंहासन पर बैठा है, ड्रिंक ले रहा है, शराब चल रही है, सुग्रीव के सामने सब नर्तकियां नाच रही हैं, पहले के राजा महाराजा बड़े अधिक मात्रा में भ्रष्ट होते थे, शराबी कबाबी बवाली, और साथ साथ में वेश्याओं के चक्कर में पड़े रहते थे, मुंह में नोट दबा करके वेश्याओं को देते थे, वो मुंह से ले जाती थी, वो हाथ से निकालते थे, कहीं 5 रुपया कहीं 10 रुपया, इतने मेहर कुल्ला लोग, अक्कल नहीं धक्कल नहीं, ना मालूम क्या करना चाहते हैं। एक औरत से विवाह किया है, फिर वो पतुरिया और रंडी और वेश्या और नाचने वाली, उसके मुंह में नोट दबा कर देते, इसमें कौन सुख मिलेगा, देना है तो गड्डी दे दे पूरी छुट्टी कर, बार बार का झंझट खत्म हो, टाइम बर्बाद करता है। तो ऐसा चक्कर सब चलता था ये संसार। धीरे धीरे शासन सत्ता में पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन हुआ, राज सत्ता का अंत हो गया और प्रजातंत्र का प्रारंभ हो गया, लोकतंत्र शासन की स्थापना हो गई। अब राजा प्रजा सबके वोट बराबर हो गए, अब जो जितनी मेहनत करे उतना प्रगति करे, बिल्कुल मेहनत ना करे तो खूब अपनी दुर्गति करे। जो बहुत गरीब लोग थे उनके भी अच्छे अच्छे भवन महल बन गए, जिनके राजमहल बने थे उनके सब खंडहर हो गए। काम करना नहीं चाहते हैं, आदतें सब वही हैं, जमाना बदल चुका है, अब ना कोई राजा ना बाजा ना महाराजा, अब तो जो काम करे उसी को कहते लोग मेरे घर भी आ जा। तो इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, उन्नति करो। भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया में बैठकर भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और शिवरी से कह रहे हैं, हे शिवरी, मेरा तेरा भक्ति का रिश्ता है,
देखिए रिश्ता यहाँ पर जितने लोग आए हैं, दीपेंद्र जी आए हुए हैं, दीपेंद्र नाम आ जाओ बढ़ के बोलो क्या नाम। हर्पित अवस्थी अलीगंज से आए हुए हैं और उनके साथ में एक और है अंकुर। यहाँ जो भी आता है कुछ न कुछ भक्ति का अंश उसके अंदर होता है, थोड़ा प्रेम होता है, नहीं तो आएगा नहीं आदमी। क्योंकि मनुष्य के पास में समय की बहुत बड़ी कमी है। 300 किलोमीटर रायबरेली से भक्त आए हैं, 500 किलोमीटर मऊ जिले से आए हैं, 1400 किलोमीटर बेंगलोर से आए हैं, 3000 किलोमीटर बेंगलोर कर्नाटक से आए हैं, कैलाश गिरी साहब। सोचिए मैं तो 1400 ही आइडिया से बताया, देखो 3000, हवाई जहाज भी उड़ते उड़ते थक जाए, इतनी दूरी है। उससे नज़दीक तो थाईलैंड है, अपने भारत देश से थाईलैंड 1200 किलोमीटर है, वो 3000 किलोमीटर। सोचिए बेंगलोर, ऐसे लखीमपुर से भी भक्तगण आए। ये भक्ति ही सबको लाती है, भक्ति ही प्रेम कराती है, भक्ति ही आश्रम में आपको विश्राम कराती है। तो शिवरी कहती है, प्रभु मैं भक्ति नहीं जानती हूँ, कैसे होती है भक्ति, क्या होती है। तो राम समझा रहे थे, कहे रघुपति सुनो भामिनी बात, कहे रघुपति सुनो भामिनी बात। शिवरी को भामिन कहते हैं, बड़ा प्राचीन शब्द है भामिन। हे भामिनी, हे शिवरी माता, मैं आपको एक बात बताऊं। मान हूं एक भक्ति कर नाता, मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, कोई बड़ा आदमी हो, किसी भी जाति का हो, किसी पाति का हो, किसी कुल धर्म का हो, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर उसके अंदर भक्ति है तो उससे मेरा नाता है, और भक्ति नहीं है पूरी दुनिया में ऐसे आता जाता है, कोई मतलब नहीं। कंस के पास में भक्ति नहीं थी तो भगवान कृष्ण ने अपने मामा का भी वध कर दिया था। सोचिए, पांडवों के पास में भक्ति थी तो कृष्ण भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, उनकी रक्षा किया था, मामा जी का अंत हो जाता है। बुआ जी का लड़का शिशुपाल, उसके मन में भक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण उसका भी अंत कर देते हैं। और एक सुदामा, जिसके मन में भक्ति है, सुदामा को ऐसा आशीर्वाद कृष्ण भगवान देते हैं, राजमहल होता है, सुदामा धन्य हो जाते हैं। बचपन की मित्रता जीवन को धन्य कर देती है। सुदामा बहुत बुद्धिमान, सुदामा संदीपन गुरु की प्रमुख शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे, पढ़ने में भी सुदामा टापर थे। और सुदामा ने संदीपन गुरु के आश्रम में भगवान कृष्ण को बहुत हेल्प किया था, क्योंकि सुदामा पहले से संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते थे, बाद को कृष्ण जी पहुँचे थे तो इनको सारा उन्होंने सब कुछ सिस्टम बताया था, वहीं से इनका उनका प्रेम हो गया था, और प्रेम को हमेशा निभाया भगवान कृष्ण ने भी। कभी कभी आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर
अपने मित्रों को भूल जाता है, रिश्तेदारों को भूल जाता है। धन में बड़ा हो गया, पद में बड़ा हो गया, सामान में बड़ा हो गया, कोई चीज में बड़ा हो गया, समाज में बड़ा हो गया, तो उसकी पहचानने की शक्ति भी कम हो जाती है, पहचान नहीं पाता है लोगों को। तुम्हारा खास रिश्तेदार है, तुमको पहचान नहीं पाता है, पूछता है भैया किसके लड़के हो तुम, तब तुम्हारे मन में दुख होता है कि अरे हमारे जीजा जी के पिताजी भी हमको नहीं पहचानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी। बड़प्पन आए लेकिन बड़प्पन का अभिमान ना आए, तो समझ लो आप सौभाग्यशाली। बड़प्पन, बड़ा होना बुरा नहीं है। धन में बड़े बनो, पद में बड़े हो जाओ, रिश्तेदारों में बड़े हो जाओ, गाड़ियों में बड़े हो जाओ, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां सहयोग के लिए खड़े भी हो जाओ। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारु मरण चमार। कबीर साहब बताते हैं जो केवल चमड़े में मोहित होता है वही चर्मकार होता है। सदगुरु की भक्ति बिना मानो जीवन बेकार, भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करे नाता, मानहु एक। गाइए दोहराइए सब भक्ति करे नाता। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करि नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति से बड़ा हो, पांति से बड़ा हो, धन में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, रिश्ते में बड़ा हो, धर्म में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो, बड़े कुल का हो, और समाज में बड़ा हो, राजनीति में बड़ा हो, सर्विस में बड़ा हो, बिजनेस में बड़ा आदमी हो, लेकिन राम कहते हैं धन बल परिजन गुण चतुराई। मेरे परिवार का ही क्यों ना हो, परिजन हो मेरा, कुटुंबी जन हो, खूब धनवान हो, बलवान हो, पहलवान हो, बड़ा गुणवान हो, बड़ा चतुर हो, बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन राम कहते हैं भक्ति हीन नर सोहि कैसे। सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, और जो भक्ति से हीन है वो कैसे शोभा देता है। बिनु जल बारी दी देखिए दैसे, बिनु जल बारी दी देखिए जैसे, भक्ति हीन नर सो जल बारी देखिए। भक्तिहीन मनुष्य
ऐसे ही अशोभनीय होता है जैसे बादल तो घिर गए, घुमड़ गए, गरजने भी लगे, लेकिन एक बूंद पानी नहीं बरसा, उन बादलों की शोभा नहीं। ऐसे ही धन के बादल उठे हैं, पद के बादल उठे हैं, बड़प्पन के बादल उठे हैं, सब कुछ है, वैभव है, मकान है, दुकान है, पकवान है, लेकिन भक्ति की एक बूंद नहीं टपक रही है जीवन में। तो राम कहते हैं, जैसे बिना पानी के बादल, ऐसे बिना भक्ति का जीवन शोभा नहीं देता। भक्तिहीन नर सोहि कैसे, बिनु जल बारी दे देखिए जैसे। बिना जल के बारिद माने बादल होता, बिना जल के बादल खाली घुमड़ रहे हैं, फालतू भीड़ मचा रहे हैं, एक बूंद वर्षा नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं। राम कहते हैं, ऐसे सोने सोने बादलों जैसी जिंदगी ना हो। आपके जीवन में माँ के प्रति भी भक्ति की बरसात हो, पितृ भक्ति की भी आपके जीवन में शुरुआत हो, भ्रातृ भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और जितनी भक्ति कर सको उतनी अधिक शांति भी मिलेगी। कितने लोग जब भक्ति नहीं मिली थी, सत्संग से नहीं जुड़े थे, मन बहुत अशांत रहता, सत्संग मिल गया, मन में बड़ी शांति आ गई, प्रसन्नता। भक्ति मन को समझदार बना देती है, भक्ति मन को प्रेम का सागर बना देती है, और भक्ति हमारे जीवन को धन्य कर देती है। हनुमान जी में जो भक्ति है, सोचिए, हनुमान जी का रूप तो बानर का है, लेकिन भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ी देर में ही सत्संग विराम ले लेगा, कोई उबना डूबना मत, कोई ऐसा मत सोचना अरे भैया आज तो फंस गए, कोई नहीं फंसा है, बहुत जगह फंसे हो, वहाँ से छूट रहे हो धीरे धीरे। ये भक्ति नशा व्यसन से भी छुड़ाती है, ये भक्ति आपको भवबंधन से छुड़ाती है, ये भक्ति आपको माया मोह के जंजीरों से, हथकड़ी बेड़ी से भी छुड़ाती है, ये भक्ति आपको गंदी गंदी आदतों से भी छुड़ाती है, भक्ति आपकी बुराइयों के जाल को भी काटती है, ये भक्ति कोई साधारण नहीं। और भक्ति को स्वतंत्र कहा गया है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्य संग न पावहि प्राणी। राम कहते हैं, बिना सत्संग के किसी भी प्राणी को भक्ति नहीं मिलती। भक्ति पाना है तो पहले सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम प्रथम भक्ति का जो वर्णन करते हैं, वो भक्ति विलक्षण है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दुजे रति मम कथा प्रसंगा। संतों की